वेलकम बैक एक और नए वीडियो में। मैं हूँ डॉक्टर देव और मैं हूँ राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है चर्च अटैक इन पाकिस्तान, वीडियोस गो वायरल अराउंड द वर्ल्ड, विल यूरोप पनिश पाकिस्तान। दोस्तों, जो वीडियो अभी वायरल हो रहा है पाकिस्तान का, पूरे वर्ल्ड में वायरल हो रहा है, ये बात सही है। अब यूट्यूब में भी बहुत सारे जो सर्च है जिसको जलाया गया है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वहां पे देखो तो क्रिश्चियन जो है ना 1% ही आबादी है पाकिस्तान में, फिर भी ये लोग उसको अच्छे से शांति से जीने नहीं दे रहे। तो अब देख रहे हैं कि यूरोप क्या कहेगा उसके लिए, क्योंकि यूरोप में तो वहां क्या वहां पे सब क्रिश्चियन ही है। तो चलिए पहले वीडियो पूरा देखते हैं, एग्जैक्टली क्या मामला है हुआ है हम देखते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों को लाइक और शेयर जरूर करना, और पहली बार आए हो इस वीडियो पे और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Assalamualaikum guys, this is Muzammil Qureshi here and you are on my channel Daily Swag। तो guys, आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है guys, पाकिस्तान के फैसलाबाद के अंदर से। guys, ये न्यूज पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख देगी, पूरे पाकिस्तान की बुनियादों को हिलाकर रख देगी अगर यूरोपियन यूनियन ने इस न्यूज पर एक्शन ले लिया। गाइस, न्यूज यहां पर ये निकल कर आ रही है गाइस, फैसलाबाद के अंदर से चंद एक मुसलमानों ने जाकर चर्च को तोड़ दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया। गाइस, ये वीडियो तेजी से वायरल हो रही है यूट्यूब के अंदर, ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है सोशल मीडिया के अंदर। इसके साथ साथ यहाँ पर पहले दो मंदिर को भी तोड़ा गया। क्या हम मैसेज दे रहे हैं दुनिया को, पाकिस्तान के अंदर से क्या मैसेजेस जा रही है दुनिया को, और दुनिया हमें किस निगाहों से देखेगी इस मैसेज के बाद भी, इस वीडियो के बाद भी जिससे कि चर्च को तोड़ा गया। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा क्या वो इसके खिलाफ मुजम्मत करते हैं कि एक चर्च को तोड़ा गया, क्या माइनॉरिटीज सेफ है या नहीं पाकिस्तान के अंदर। देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक इस बारे में क्या अपनी राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? मकबूल हुसैन। क्या करते हैं? ये क्रीम ब्लॉग में स्टॉल लगाते हैं। माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया सर। बात करने का आपसे मकसद मेरा यह है कि क्या जो अगर कुरान मजीद की जो बेहरमती करे, जो कुरान मजीद को नाउजुबिल्ला शहीद करे, जलाए, उसके साथ क्या होना चाहिए? वो तो जाहिर है कि हम मुसलमान हैं, जो हक की बात है वही करेंगे। वो तो वाजबे कतल है, वाजबे कतल है, उसको मतलब कि उसका मर्डर कर दिया जाए, उसका कतल कर दिया। हाँ, वो अल्लाह के नाम पर जो साथी कतल है वो वाजबे कतल ही है। कोई भी मजहब है, हम मुसलमान हैं या कोई भी मजहब है, कोई भी गैर मजहब है, किसी का कोई मंदिर हो या कोई मस्जिद हो, किसी के साथ कोई बेहरमती करने का कोई मकसद नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, अभी की न्यूज़ है कि फैसलाबाद के अंदर एक ईसाइयों के चर्च को तोड़ दिया गया और जला दिया गया, क्या कहना चाहेंगे कि, और जब सर्च किया गया पता चला कि वहाँ पर उन लोगों ने बेहरमती की थी, कुरान मजीद की बेहरमती की थी, इस वजह से उन लोगों ने जाकर उनके चर्च को तोड़ दिया, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं सर ये कहना चाहूँगा, वो तो बगैरत लोग हैं, बेगैरत लोग हैं, बेशरम हैं, उनको अक्ल नहीं है या उनकी एजुकेशन नहीं अच्छी है, जो यानी कि खुदा के घर साथ ऐसे उनने बेहरमती की है या कोई बदतमीजी की है। इन्होंने जो गैर मजहब हैं, तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि कौन सी जगह पे ये बेहरमती की गई है, कुरान पाक की या मस्जिद फैसलाबाद में, उस उनके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए। ठीक है, कोई भी किसी के साथ कोई जास्ती करता है ना, किसी की बेहरमती करता है या किसी को जलाता है या कुछ करता है, उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जाए, उसके साथ कोई जुल्म ना किया जाए। तो जो हमारे कुरान पाक की बात करते हैं वो तो वाजबे कातल है भाई, जो उनको जलाता है या कोई मुसलम सेल खड़ा करता है। रहेगी मंदिर की बात, ये पढ़े लिखे लोग हैं यार, समझ होनी चाहिए। अच्छी के अंदर भी दो मंदिरों को तोड़ दिया गया, ये गलत बात है। मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं उनका साथ दे रहा हूँ, ये नहीं। वो वाजबे कातल हैं जो हमारे कुरान पाक की बेहरमती करते हैं, जो बदतमीजी करते हैं या कोई भी हरकत गलत करते हैं, वो वाजबे कातल है। हमारे दीन इस्लाम में यही है, ठीक है। इसको ही कहते हैं कोई अगर अगर कोई इसको क्या कहते हैं, इसको ही कहते हैं जहाज, अल्लाह के राह पे जो अपना जान कुर्बान करना है, इसी जहाज कहते हैं, इसको ही कहते हैं। क्या कहते हैं? आप भी समझदार हैं, सब मुसलमान हैं, इसको ही कहते हैं भाई वाजबे कातल है, जो ऐसा करता है ना, तो जो इसी अल्लाह के राह पे कत्ल हो जाता है तो उसको शहीद का रुतबा इसी वजह से मिलता है। सर तेरा मेरा झगड़ा हो जाता है ना, कोई और मसला है, ये दीन इस्लाम की बात है, खुदा की घर की बात है, अल्लाह की कलाम की बात है, कुरान पाक की बात है। और जो हमारे फैसलाबाद में या कराची में मंदिर तोड़े गए, ये भी जास्ती है। कोई तो इंसान पागल है, तुम तो यार ना पागल बनो,
सर दुनिया में हमारा क्या इमेज जाएगा, दुनिया हमें क्या किस नाम से बुलाएगी, हमें तो एक्सट्रीमिस्ट कहेगी ना। पहले कहती है कि यहाँ पर बहुत सा ज़्यादा लोग पाकिस्तानी तो टेररिस्ट हैं। अगर इस तरह के काम करते रहेंगे तो हमें कौन अच्छा कहेगा? वही तो मैं सर फरमा रहा हूँ कि वो तो पागल बन चुके हैं, वो तो अल्लाह के घर के गुनाहगार हो चुके हैं। आप तो ना हो यार, आप तो किसी की बेरहमती ना करो। बिल्कुल सही बात है। अब मुझे अंकल बहुत शुक्रिया। ओके जी, ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। नाम आपका? जमशेद अली। क्या करते हैं? ऊबर पे बाइक चलाता हूँ। माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। सर एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे। सर स्वीडन के अंदर कुरान मजीद को जलाया गया, क्या कहना चाहेंगे उसके खिलाफ? आप मजम्मत करते हैं उसके? सर ये तो हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है, हर मुसलमान को इसकी मजम्मत करनी चाहिए और इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। खासकर ऊपर वाले लेवल पे जो हमारे हुक्मरान हैं उनको इस स्टैंड लेना चाहिए कि ये हमारा मसला नहीं है, इतना हमारा इशू नहीं है, ये उनका भी इशू है, उनका भी इशू है, ये पूरे आलम इस्लाम का इशू है। हर मुसलमान को इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। बहुत ही प्यारा बयान दिया सर, आई अप्रिशिएट दैट सर। सर यहाँ पर मैं बात करना ये चाहूँगा तो सर, क्या इस मुल्क के अंदर रहने वाले माइनॉरिटीज़ के बारे में जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए भी आप यही सोच रखते हैं कि अगर उनके कोई इबादत गाहों को कोई नुकसान पहुंचाए तो आप उनके लिए भी यही कुछ सोच रखते हैं या नहीं? सर मैं बिल्कुल यही सोच रखता हूं क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शायद एक हदीस मुबारक भी है कि कोई भी किसी भी यानी कि वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो उसको बुरा मत कहो, उसको समझाने की कोशिश करो, अपना कोशिश करो कि वो ईमान ले आए, तबलीग करो, अल्लाह का पैगाम पहुंचाओ। तो ये तो यहाँ पर आज की एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है फैसलाबाद के अंदर से, फैसलाबाद के अंदर इसको चर्च को तोड़ा जा रहा है सर। चर्च यहाँ पर लोग सारे जितने भी लोग हैं सारे इकट्ठे जाकर चर्च को तोड़ रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या हमें उस बारे में मजम्मत करनी चाहिए कि किसी की भी इबादत गाहों को तोड़ना नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए, किसी की भी इबादत गाह को नहीं तोड़ना चाहिए। ये तो हमारा यानी कि इंसानियत के भी मेरा ख्याल खिलाफ है और हमारे दिन भी इस चीज़ की, हमारा मजहब भी इसकी इजाज़त नहीं देता कि किसी की इबादत गाहों को जाकर नुकसान पहुँचाया जाए। लोगों ने जवाब ये बताया कि जिस तरह से स्वीडन के अंदर कुरान मजीद को जलाया गया है ये लोग भी वैसे ही काम कर रहे हैं, इस वजह से हम जला रहे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा इसी फैसलाबाद के अंदर से एक शिलिंग को भी जला दिया गया रोड पर, तो सर ये क्या कहना चाहेंगे किसी के इस तरह से? हम जब नॉन मुस्लिम्स के साथ इस तरह का बिहेवियर करेंगे तो दुनिया वाले दुनिया हम पर हम पूरा बनेगा, हर कोई यही समझेगा कि मुसलमान है ही टेररिस्ट है ही ये कातिल है, ये दहशत करता है, ये टेररिस्ट है, मुसलमान ही बदनाम होगा ना। अगर हमारा बिहेवियर देख के हमारी अच्छाई हमारा इखलाक हमारी गुफ्तार देख के हमारी तरह अट्रैक्ट होती है तो सुभान अल्लाह। अगर हमारा ये किरदार देख के किरदार हमारा ये माइनस किरदार देखेंगे तो जाहिर बात है वो मुसलमान को कभी भी अच्छा नहीं समझेंगे। सर यहाँ पर जब हिंदुस्तान के अंदर कुछ इस तरह का होता है, कोई बाबरी मस्जिद के केस को हमने किस तरह से उठाया, इसी तरह नॉन मुस्लिम्स को भी बुरा लगता होगा ना सर कि वो उनके मस्जिदों को उनके उनकी इबादत गाहों को मंदिरों को तोड़ा तो बुरा तो लगेगा ना सर? कोई शक नहीं, बिल्कुल बुरा लगेगा, हर किसी को बुरा लगेगा। आज से कुछ टाइम पहले की बात है यहाँ पर कराची के अंदर दो मंदिर भी तोड़े गए सर, कितनी गलत बात है। आप देखें कि दुनिया हमारे से कितना अच्छा बिहेवियर कर रही है, दुनिया हमारे से कितना अच्छे तरीके से रह रही है और हम नॉन मुस्लिम के साथ ये कर रहे हैं अपने मुल्क में। नहीं करना चाहिए ना भाई, नहीं करना चाहिए, इसको इसकी मजम्मत करनी चाहिए। जो अपने मजहब में जिस तरह से जिंदगी गुजारा है, हाँ यानी कि मेरा अर्ज करने का मकसद ये है कि वो यानी कि उसकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इंसानियत के खिलाफ ना हो, बाकी ठीक है, अपने अपने मजहब को हर कोई कंडक्ट कर रहे हैं। जैसे शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच अंकल, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो भाई? अल्लाह का शुक्र, आई एम फाइन। नाम क्या आपका? मोहम्मद मुनीब अफजल। एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ, स्वीडन के अंदर जो कुरान मजीद जिसको जलाया गया, क्या कहना चाहेंगे, शहीद कर दिया गया, उसके खिलाफ क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या बात करेंगे दुनिया को, आप क्या बताएंगे? यार मैं इसकी बड़े सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ, ठीक है। मेरे जो है वो जिसने जिस मलून ने ये हरकत की है मेरे सामने वो आ जाए ना तो मैं उसको ये मुसलमान होने का तकाजा है उसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, बट अब वो सामने आ नहीं सकता, मैं उस तक जा नहीं सकता, मुश्किल है। तो जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं, हुकूमत गवर्नमेंट है, मैं उनसे भी जो है वो उनसे तो इस चीज़ की उम्मीद ही नहीं है, पर जो है वो ये आपने जो है ना वो
इसको ऑन एयर जरूर करना है, जो जरूर ठीक है ना, मैं जरूर चलाऊंगा। हाँ, जरूर चलाना सर, है। इसी के बरक्स आपने जो जज्बात अपने मजहब के बारे में, हमारे कुरान मजीद के बारे में जो आपके जज्बात थे, तो सर अभी मैं आपको न्यूज देता जाऊंगा, अभी फैसलाबाद के अंदर चर्च को तोड़ा गया, क्या कहना चाहेंगे उसको, क्या कहेंगे? यार पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर मजहब को आज़ादी दी जाती है, इसने मुझे थप्पड़ मारा ठीक है, तो मैं जो है वो इसको ये ना कहूँ यार भाई तू पहले गलत सुन ला मेरी फिर मुझे थप्पड़ मारी ठीक है, ये बात नहीं, ये या ये हो कि इसने मुझे थप्पड़ मारा तो मैं उससे वाले डंडे सोटे फड़ के दे दुआले हो जाऊँ कुटन लग पाऊँ इनू, ऐसे नहीं होता होता ठीक है। आप जो है वो थोड़ा सा सेंसिबल होकर सोचे ना भाई, मैं बात आपसे ये कर रहा था कि जो हमारे जो आशिक़ रसूल बने फिरते हैं जो किराए के मौलवी हैं ठीक है, अगर इनमें से यहाँ पे जो मेरे साथ खड़े हैं अगर इनमें से कोई TLP का है तो मैं उससे एडवांस में माजरत करता हूँ ठीक है, जो किराए के मौलवी हैं यार उनकी अपनी जो है वो दाल रोटी बंद हो रही थी तो उन्होंने पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया ठीक है, और कुरान के ऊपर कोई बात हुई हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस में कोई जो है वो गुस्ताखी होती है तो जब तक उनके आका जो है वो उनको कुछ कहते नहीं है वो कुछ भी नहीं करते आगे से। बात यहाँ पर कराची के अंदर तो मंदिर भी डिमोलिश कर दिए गए हैं सर, सर इस तरह से क्या इमेज जाएगा हमारा दुनिया के अंदर, क्या हम बता पाएंगे कि हम एक मजहब कौम है, हम हर मजहब को आज़ादी देते हैं, यहाँ पर तो हम खुले कह देते हैं कि भाई हर मजहब यहाँ पर खुले आम घूमता आज़ादी है, तो क्या इस तरह से आज़ादी होती है कि आप कोई भी बात होती है कि जाकर मंदिर तोड़ते हो उनके चर्च को तोड़ देते हो? आपको वही बात बता रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ठीक है ना। पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा मुल्क है बल्कि हर मुल्क में जो है वो बहुत सारे लोग रहते हैं, अब नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मंदिर हो चर्च हो कादियानियों की जो है वो इबादतगाह हो इमाम बारगाह हो अहले तशी की किसी हर बंदे को जो है ना वो अपनी इबादत की आज़ादी हासिल है, आज़ादी दी जाए, आज़ादी हासिल है और उसको दी जाए। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, UAE एक पाकिस्तान के मुकाबले में इतना सा मुल्क है ठीक है, उसकी 7 स्टेट्स हैं, उसकी जो मेन स्टेट्स 2 हैं दुबई और अबू धाबी, मैं दोनों जगह पे गया हूँ यार, शायद ही कोई पूरी दुनिया की कोई नेशनैलिटी हो जो मैंने वहाँ पे ना देखी हो, शायद ही कोई नेशनैलिटी हो, और हर बंदा जो है वो उसको आज़ादी है वहाँ पे, सिर्फ वहाँ पे कोई एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, सिर्फ वहाँ पे एक बात है वहाँ पे रूल ऑफ लॉ जो है वो बहुत अच्छा है, और पाकिस्तान में अगर वैसा रूल ऑफ लॉ हो जाए तो जो है वो ये जो आप बातें कर रहे हैं कि चर्च ला दिया उसने, मंदिर डिमोलिश कर दिया, मस्जिद को डिमोलिश कर दिया, मस्जिद आप यूएई होके भी आए हैं भाई, वहाँ पर तो मंदिर भी बना दिया गया, वो उनके इस्लाम को कोई खतरा नहीं हुआ, हमारे इस्लामाबाद में बन रहा था तो हमारे मजहब को खतरा होने लग पड़ा। सर देखिए जो जिन कंडीशंस पे वहाँ पे बन रहा था अगर उन कंडीशंस में पाकिस्तान में बनेगा तो वो बिल्कुल नहीं कबूल है ठीक है। क्यों यार आप UAE नहीं गए, मैं गया हूँ, आप ने या हिंदुओं ने जिसको कहते हैं ना वो एक मुस्लिम कंट्री है उसको हाईजैक कर लिया हुआ है, उसको हाईजैक किया हुआ है। आप इसी तरह मार्केट में जाएंगे ना 100 बंदे खड़े हैं ना कहीं पे तो 100 में से 85 जो है वो इंडियंस होंगे और उन 85 में से 60 जो है वो हिंदू होंगे, इतना जो है वो वहाँ पे ये जो है ना वो जिसको कहते हैं कि वे पेनिट्रेट जो है ना वो यूनिटी बहुत ज्यादा है, फिर अपने लिए अच्छे हैं तो यूनिटी है ना भाई, हम अपने लोगों के लिए अच्छे हैं, वो किसी और के लिए हमारे लिए वो पाकिस्तानी के लिए अच्छे नहीं है, वो बांग्लादेश की लिए, पाकिस्तानी पाकिस्तानी के लिए अच्छा नहीं, वहाँ पे तो बिल्कुल नहीं, यहाँ का तो मैं यहाँ पे तो चलो फिर वो तो बहुत अच्छी बात है कि वो अपने मुल्क के लिए तो अच्छे हैं भाई, नेशनलिस्ट तो हैं कम से कम, हम तो नेशनलिस्ट भी नहीं है ना, हम पाकिस्तानी है ना हम मुसलमान है ना हम नेशनलिस्ट है, मुसलमान अल्लाह का शुक्र है कि मैं तो मुसलमान हूँ और मैं जितने बंदों को मेरा जो सर्कल है वो सारे जो वो ला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने सुना नहीं। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और अभी तक समझ में नहीं ये जिसने भी ये कांड किए ना, पहले तो मैं यही बोलूंगा कि जिसने भी ये सर्च को मतलब गिरा दिया तोड़ दिया या जला दिया वहाँ पे कराची में हिंदू मंदिर को भी तोड़ दिया और वहाँ पे प्राइवेट घर बना दिया बिल्डिंग बनाई ठीक है, तो ये जिसने किया तो मैं उसको कभी भी मुसलमान नहीं मानता, क्योंकि कोई मुसलमान इंडिया में भी रहते हैं और ऐसा आज तक हमने कभी नहीं देखा किसी मुसलमान इंडियन मुसलमान ने किसी का मंदिर जलाया हो। पहले थोड़ी बहुत कहस न चलती थी, वो नॉर्मल था, वो मतलब वो इतना बड़ा वो बवाल नहीं था, लेकिन अभी इंडिया में किसी भी मुसलमान को आप कॉल लगा के पूछ लो, कभी भी किसी ने हिंदू टेम्पल पे कभी हमला नहीं किया या तो हिंदुओं ने मस्जिद पे कभी कोई हमला नहीं किया, आज भी वो हजारों साल पुरानी मस्जिद इंडिया में मौजूद है। और बात रही
पाकिस्तान मुसलमान की। तो यार देखो, यहाँ के इंडियन मुसलमान है वो भी पाकिस्तान मुस्लिम को मुस्लिम नहीं मानते, ठीक है। और जिहाद के नाम पे जो ये बवाल चला रहे हैं ना, तो वो ये कुछ ओरिजिनली जिहाद क्या है वो किसी मतलब पता ही नहीं है। जिहाद का मतलब होता है कि हम दूसरे की मदद करें, कोई बंदा दुखी है तो उसको हम मदद करें, ठीक है, ना कि उसका हम गला काट दे। ये गला काटना जिहाद नहीं है। और कोई भी कुरान में, किसी भी कुरान मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन जो मेरे मुसलमान फ्रेंड है वो हमें बताते हैं, कुरान में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि मतलब हिंदू काफिर है या हिंदू मतलब ऐसे है वैसे है, ठीक है। यहाँ पे आप तो हिंदुओं की थाली में खाते भी नहीं हो, आप तो हिंदुओं का अनाज जो वहां पे उगाते वो लेते भी नहीं हो, ठीक है। आप हिंदुओं को मजदूरी मजदूर के तौर पे भी नहीं बुलाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता होगा इंडिया में, भाई हम हमारे यहाँ हम तो जब मुसलमान का जब त्योहार होता है ईद होती है, तब हम सेवैया खाने 100% में तो हर बार जाता हूँ एवरी टाइम, मतलब क्योंकि हमारा फ्रेंड है यार, हम फ्रेंड। और वो फ्रेंड में हम ये नहीं देखते कि हिंदू है या मुसलमान। और ये जिसने कांड किया ना, एक मैं लिख के देता हूँ, वो मुसलमान कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी मुसलमान है ना कभी भी किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। और कोई भी धर्म हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी धर्म हो, दूसरे के धर्म को कोई ठेस पहुंचा नहीं सकता है, क्योंकि मतलब जैसे हाँ जैसे मस्जिद होती है जहाँ पे तो आप लोग नमाज पढ़ने जाते हो, वैसे क्रिश्चियनों के लिए चर्च होता है, जो वो लोग वहाँ पे मतलब प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे आप हर एक धर्म में मतलब प्रार्थना जो बोलते हैं, तो आप बोलते हो नमाज पढ़ना, तो ये सब धर्म थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन सबका मतलब एक ही होता है कि कोई भी एक टाइम हम हमारे जो भगवान है या तो हमारे अल्लाह है, हम उसको एक बार याद कर ले, ठीक है। ये मेन है, बाकी ये नहीं है कि भाई कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसका मतलब धर्म का पूरे सबको सजा दो, वो वाला नहीं। जिसने गुनाह किया है वो कोई भी धर्म का हो, उसको सजा मिलनी चाहिए, और उस सजा के लिए स्टैंड लेना हर एक धर्म का, हर एक व्यक्ति का फर्ज होता है, यही हमें सिखाया जाता है। लेकिन आपके वहां पे तो पता नहीं क्या सिखाया जाता है, और वहां पे क्रिश्चियन 1% भी नहीं है, बहुत कम, 1% भी नहीं। ये लोग बता रहे हैं 1% है, बट इतने भी नहीं है क्रिश्चियन वहां पे पाकिस्तान के अंदर। और हिंदू को भी ये लोग थोड़ा 10% के आसपास बता रहे हैं, लेकिन अब वहां पे मेरे को लग रहा है 1% भी हिंदू नहीं, एक दो गांव है बस खत्म। हाँ एक दो गांव है और वहां पे भी प्रॉब्लम है, चल रही है। हाँ मंदिर को गिरा दिया, मंदिर में जला दिया, मंदिर वहां से मूर्ति निकल के नाले पे रख दिया, तो आप किसके मतलब आप कैसे कहलाते हो मुसलमान, का क्या होगा, ये किस तरफ जा रही है। अरे मुसलमान यहाँ पे इंडिया में देखो, हमारे यहाँ पे मुसलमान मैं क्या बताऊँ स्टोरी, बट एक स्टोरी बताता हूँ। एक मुसलमान व्यक्ति है जिसको मैं एक बार मिला हूँ, और वो बंदा रिक्शा चलाता है घर का, मतलब उसका सारा जो रिक्शा से ही आता है, मतलब खाने पीने सब कुछ वो रिक्शा, क्योंकि उसका और कोई कमाने वाला घर पे है नहीं, लेकिन फिर भी वो फ्री एम्बुलेंस चलाता है। मतलब उसके मतलब वो जहाँ पे रहता है वहाँ पे कोई भी महिला को कोई भी इमरजेंसी हो या कोई गरीब परिवार को कोई भी इमरजेंसी हो, तो फ्री में हॉस्पिटल लेके वो बंदा जाता है। अब इससे बड़ा जिहाद और क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें सीखनी जरूरी है देश को, तभी आपका देश आगे बढ़ेगा। और मुसलमान के नाम पे बवाल जो आप कर रहे हो ना, अब पाकिस्तान तो इतू सा देश है मुसलमानों के लिए, बाकी कितने बड़े बड़े देश है जहां पे मुस्लिम आबादी के नाम पे वो देश बने हैं, और मतलब टॉप 3 में भी आप गिन लो तो भी चलता है इकोनॉमी के लिए, इतने मतलब इतने स्ट्रॉन्ग देश बन चुके हैं, और ये मुसलमान के नाम पे सबको मतलब डराना धमकाना आतंक फैलाना, ये चीजें अच्छी नहीं है मेरे हिसाब से। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और दोस्तों यहाँ पे जो बात हुई वो धर्म के लिए थोड़ी बात हुई है, कुछ मेरे से इधर उधर हो गया तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो सत्य है वही मैंने बताया, उससे कुछ ज्यादा मैंने बोल दिया तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल पे पहली बार आए और अब तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं और एक नए वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।